स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबोदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराड्यम नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं पुनर्नवा मंडूर के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने उस दिन मंडूर कल्पों को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उस दिन त्रिफला मंडूर को लेकर डिस्कशन किया था। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था, जिसमें त्रिफला मंडूर शायद काफी सारे लोग यूज नहीं करते थे, बट बिल्कुल अभी आज से आप लोग इसका यूज भी कर सकते हैं और इसको आपने अच्छे से समझ लिया है। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग बात करते हैं पुनर्नवा मंडूर के बारे में। पुनर्नवा मंडूर सभी ने आपने नाम भी सुना है और सभी ने इसका बहुत यूज किया है। मंडूर कल्पों का एक पेटेंट जो वैधी है वो पांडु एनीमिया, तो पुनर्नवा मंडूर भी पांडु की ही दवा है, पांडु के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने उस दिन डिटेल में समझाया था कि पांडु रोग में ना केवल रक्त की कमी होती है, बट रक्त से जुड़े या हमारे मेटाबॉलिज्म से अग्नि से जुड़े जो भी यकृत है, लीवर है, आमाशय है, इन सभी अवयवों का कार्य सुधारने के लिए भी पुनर्नवा मंडूर या मंडूर कल्प मंडूर भस्म काम करता है। तो पुनर्नवा मंडूर किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, उसमें कंटेंट्स क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद आई थिंक रेखा जी आपका केस भी है, पेशेंट लाइव आने वाला है। मैम, हाँ जी मैम, मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो स्क्लेरोडर्मा है उनको ना। अच्छा, तो फिर एक 10 मिनट में इसको खत्म कर दी, फिर आपका केस हम लोग डिटेल में पढ़े। ठीक है मैम, फिर मैं उनको बुला लूंगी वो फिर। हाँ जी, हाँ बुलाइएगा उनको ना, लिंक शेयर करिएगा बस। मैं क्योंकि एक एक ठीक है। तो पुनर्नवा मंडूर नाम से आपको पता चला है इसमें पुनर्नवा है। पुनर्नवा बेस्ट ड्रग है, ना केवल शोफग्न मूत्रल है और ये बल भी देता है। जहां जहां पर भी वसा लसिका या क्लेद का संचय हुआ है, वहां पर हम लोग संचय को कम कराने के लिए पुनर्नवा का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर जैसे ये होता है ना कि जैसे एनीमिया में भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से अकुमुलेशन है, सूजन आती है, चेहरे पर सूजन होती है, कई बार कुछ पैरों पर सूजन होती है, तो इस सूजन को कम करना करने के लिए, क्लेद को पिघलाने के लिए या डायुरेटिक के रूप में पुनर्नवा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें पुनर्नवा लेना है। इसके साथ में दूसरा निशोथ है,
निशोत जो कि विरेचन का ही कार्य करता है, सुंठी आम पाचन दीपन और सुंठी उष्ण गुण के साथ साथ लाइक अग्नि का इम्प्रूवमेंट सुंठी से बहुत अच्छे से होता है। सुंठी के बारे में और ज्यादा बोलने की जरूरत है। पिपली ये भी रसायन भी है, ये दीपक पाचन का भी काम करता है पिपली। मिर्च थिरवाउडिंग है जो कृमिग्र चिकित्सा करेगा। देवदारू चित्रक वो पुष्कर मूल है। हल्दी दारू हल्दी जो एंटी इंफ्लामेटरी भी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, काफी सारे प्रॉपर्टीज हल्दी में होते हैं। दंती मूल है, दंती भी विरेचन के लिए अच्छा माना जाता है। किरडा बहड़ा आंवला यानी त्रिफला है। फिर इसमें चौव्य है, इंद्रजौ है, कुटकी है, पिपल मूल है, नागरमोता है। तो ओवरऑल सब अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो कुछ द्रव्य है उष्ण कटुन के जो कि आम पाचन का दीपन का काम करेंगे, कुछ द्रव्य डायरेक्टली यकृत के ऊपर अच्छा काम करते हैं, कुछ रसरक्त धातु के लिए अच्छे इंपॉर्टेंट माने गए हैं। तो ओवरऑल इन सभी का कॉम्बिनेशन इस इसमें है, पुनर्नवा मंडूर में है। अभी इन सभी को हम लोग एक एक तोला की मात्रा में लेते हैं, उसको अच्छे से चूर्ण करके छान लेते हैं और फिर मंडूर भस्म 40 तोला लेकर हम लोग उसको 8 गुना गोमूत्र में पका देते हैं और बाकी सारा जो भी चूर्ण है इसमें हमको मिला देना है। अभी ये जो लाइक गाढ़ा हो जाएगा ना तो लाइक जैसे घी लगने लगता है उसमें, तो हम लोग इसकी गोलियां बनाएंगे, उसको सुखा लेंगे और इसका प्रयोग कर देते हैं। इसकी 2 से 3 गोली ये मात्रा है इसकी, तो आमतौर पर सुबह शाम 2 बीड़ी की मात्रा में हम इसको देते हैं। पुनर्नवा और मंडूर का प्रयोग सूजन नष्ट करने के लिए और खास करके ये माना जाता है कि शोफयुक्त पांडु जहां पर भी पांडु रोग में सूजन है वहां पर भी हम लोग इसका बहुत अच्छे से, और मुझे लगता है इसके क्लिनिकल कॉम्पिटेशन के बारे में तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप सभी का ये पेटेंट दवा है, कई सारे कंडीशंस में हम लोग इसका प्रयोग करते आ रहे करते हैं। मुझे याद है कुछ केसेस ऐसे भी है जहां पर ना पांडु भी होता है, एनीमिक भी होते हैं पेशेंट और लाइक मेनोपॉजल एज में होते हैं तो उसमें भी मूत्र की भी दिक्कतें होती है, कभी मूत्र खुलकर नहीं आता है, दबाव रहता है ड्यू टू द वेट मानिए, या जैसे जैसे एज बढ़ती है वहां वहां मतलब मसल का टोन जो होता है वो लूज होता है, शिथिलता आती है, इसके चलते भी मूत्र प्रवृत्ति बार बार होना या खुलकर पेशाब ना होना ऐसी कंडीशन होती है और कई बार ही इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की कमी भी रहती। तो वहां पर आपको पुनर्नवा मंडूर काफी सारे इसमें मैंने देखा है कि काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक इसका मैं डायमेटिक रिजल्ट बताना चाहूंगी कि पांडु व्याधि में कई बार पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी होता है, लाइक पेशेंट खुलकर बताता नहीं है बट कहीं ना कहीं अग्निमांद के कारण, आम के कारण और उसकी खान पान की आदतें जो है कम खाना खाना है, कुछ आजकल के जमाने में डाइटिंग का फैशन बहुत है, लोग एक टाइम खाना खाते एक टाइम बस फल ये वो खाते हैं, बट वो भी ठीक है बट फिर भी लाइक पोषण जितना आपका वर्क पैटर्न है आयु है इसके हिसाब से पोषण नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं फिर ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो जो आपको आयरन प्रोटीन की जरूरत है वो अगर आप नहीं ले पा रहे तो इसके कारण भी एनीमिया जैसे होते हैं। एनीमिया में अग्नि के साथ साथ अमाशय का भी इन्वॉल्वमेंट है, अपचन अजीर्ण अरुचि ऐसे लक्षण होते हैं, तो कहीं ना कहीं सार्कित विवेचन पर भी इसका परिणाम होगा और सार्कित विवेचन ठीक ना होने के कारण मल थोड़ा रूखा बनता है। जैसे हमने देखा कि पांडु व्याधि के ही उपद्रव के रूप में कामला का वर्णन किया है जिसमें भी लाइक मल कामला के आयुर्वेद के हिसाब से 2-3 प्रकार किए गए। इसमें जैसे कि जहां पर अवरोध जनित स्थिति होती है ना वहां पे तील पिष्टवत यानी तील के समान, जहां पर जो पचन के लिए पचन के पश्चात जो एक रंजन होना होता है ना वो नहीं होता है, तो इसके लिए वहां पे मल बिल्कुल कलरलेस होता है और कुछ एक इसमें वो ओवर सिक्रेशन के कारण या अति प्रवृत्ति के कारण मल पीला बन जाता है, तो ये दोनों प्रकार का कामला हो जाता है। तो पांडु के उपद्रव के रूप में ही कामला बनता है, तो बिल्कुल पांडु में भी ऐसी स्थिति होती है कि जहां पर मल पतला बनाना पड़ता है। पुनर्नवा मंडूर का एक विशेष ये है कि पेशेंट बताते हैं कि इसका सेवन करने के साथ साथ मल भी पतला आने लगता है, यानी ओवरऑल कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और उनको मल प्रवृत्ति के लिए जो भी प्रवाहन करना पड़ता था वो उसमें कम होता है। तो ये इसका आप ध्यान रखिएगा कि मल को पतला भी बना देता है और रक्त की मात्रा के लिए भी अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ कई बारी जैसे मैंने अभी बताया कॉन्स्टिपेशन को पेट में मल का संचय होने के कारण भी कुछ अस्वस्थता, फिर सर में दर्द होना, अना अटोप या गैस बनना ये भी लक्षण उसमें होते ना, तो ये इसके लिए भी लाइक अच्छा काम करता है पुनर्नवा मंडू। बद्धकोष्ठता में मंदाग्नि में सूजन में है इसके कई सारे है, रक्तानुओं की वृद्धि भी करता है ये और शरीर का जो जल का भाग है ना उसको
लाइक इम्प्रूवमेंट कराने के लिए या जो क्लेद बना है इसको कम कराने के लिए भी ये काम करता है. सो सूजन, पेट के रोग, लिहा के रोग, यकृत का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, वात रक्त में, कफ में, खांसी में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या इंटेस्टाइनल टाइप का कोई अगर कैंसर जैसा भी व्याधि हो या जहां पर कुछ जो फैक्टर्स होते ना, अल्सर है, गैस्ट्रिक कुछ ट्यूमर है, गैस्ट्राइटिस है, उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है. तो इन सभी कारणों में आप पुनर्दवा मंडू दे सकते हैं. कई बार गर्भिणी स्त्रियां जो आती है, गर्भिणी स्त्रियों में भी लाइक पैरों में सूजन आना और रक्त की मात्रा इतनी नहीं बढ़ती है, तो पैरों में सूजन तो 7वें महीने के बाद में काफी देखी जाती है. तो वहां पर भी हम लोग धात्री लोह भी है इसके लिए पेटेंट दवा, बट पुनर्दवा मंडू भी काफी प्रचलित तो दवा इसकी मानी गई है जो कि काफी अच्छे से लाभ करने वाली होती है. तो ओवरऑल पुनर्दवा मंडूर वी कैन गिव इन एवरी कंडीशन. इसके लिए कुछ ज्यादा कॉन्ट्रइंडिकेशंस भी नहीं है बिकॉज ये बहुत ही सिंपल तरीके का है और अच्छे से रक्त की मात्रा बढ़ाने का काम करता है. इसीलिए मुझे लगता है कि पुनर्दवा मंडूर के लिए और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. ये बेस्ट ड्रग है. इसको आप ऐसे कभी जैसे सारे ये मैं लक्षण बता रही हूँ इन सभी केसेस में एज अ पेटेंट ड्रग आप इसका प्रयोग कर सकते हैं. इसमें सारा पुनर्नवा, चित्र, दंती जो भी है तो अलग अलग रूप से ये काम करने वाले होते हैं ना. लाइक कुटज है तो ये ग्राही काम करेगा, मुस्ता है तो ये लाइक तिक्त रस का होता है तो मुस्ता पाचन का काम करेगा, पिपली मूल है तो पिपली मूल एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगी, त्रिफला इसमें है तो तीनों दोषों का शमन होगा, तिवृत्त भी है जो कि सूजन कम करता है और एंटीमाइक्रोबियल भी प्रॉपर्टी है, विडंग है तो कृमि का काम ये करेगा. जैसे कृमि भी पांडु का कारण होता है, कृमि के कारण भी एनीमिया होता है बच्चों में, लाइक तो उसमें भी अरुचि वगैरह भी लक्षण देखे जाते हैं. मंडूर तो बिल्कुल काम करता ही है, गोमूत्र की भावना दी गई है तो सोचिए ओवरऑल इसका जो इफेक्ट होगा एनीमिया जैसे कंडीशन पर बहुत अच्छे से होगा. नॉट ओनली फॉर एनीमिया बट लीवर को भी आपको सपोर्ट करना है तो वहां पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं. और एक दो केसेस में मैंने कुछ स्किन का भी प्रॉब्लम था उसमें लाइक कुछ ब्लेमिशेस वगैरह थे उसमें. कई बार ऐसा होता है ना कि कुशता में या लाइक मेनोपॉज में भी हीमोग्लोबिन कम होने से या यंग लड़कियों में भी खून की कमी के कारण कुछ ब्लेमिशेस आ जाती है, जैसे त्वचा पर कुछ अलग से निशान मार्क बनने लग जाते हैं. तो इसमें भी आपको ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है. उसके लिए भी मैंने यूज किया है स्किन के कुछ ऐसे लक्षणों में, वो भी अच्छे से काम करता है. अभी बात चल रही थी मूत्र की, तो जैसे रस रक्त बनता है उसी के साथ साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको निकालने के लिए मूत्र बनता है. सार कित्त विवेचन में जो कित्त भाग बनता है, सार भाग से शरीर का पोषण होगा और कित्त भाग से मलमूत्र बनेगा. तो बिल्कुल यहाँ पर भी किडनी का रिलेशन आता ही है. सार कित्त विवेचन ठीक से नहीं होगा तो किडनी को सप्लाई मूत्र का ठीक से नहीं होगा और इसके साथ ये सारे लक्षण हमें मिल जाते हैं. इस प्रकार से मुझे लगता है पुनर्नवा मंडूर को लेकर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. हम लोग आगे चलते हैं, केस जो है आज का हमारा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं. हाँ रेखा जी बोलिए. नमस्कार मैम. नमस्कार नमस्कार मैम. ये मेरे साथ में मेरे दीदी हैं मीनाक्षी जी, इनको है स्क्लेरोडर्मा की. मैंने कहा पहले तो सब लोग आप पर वो कर लीजिए जो भी इनकी पूरा का पूरा. एक्चुअली क्या मतलब लक्षण क्या है वो बताइए मुझे, अभी उनको तकलीफ क्या क्या होती है वो बताइए. एक तो ये नमस्कार नमस्कार. हाँ नमस्कार. एक ये जो स्किन है ना ये हार्ड हो रही है यहाँ से ये, और ये पैरों में एडियो के ऊपर जो जगह है वहाँ हार्ड हो रही है. और ये फेस फेस में ऐसे. अच्छा आपका आज एज क्या है इनका पेशेंट का? 59. अच्छा ठीक है. और मैम थोड़ा हिस्ट्री बताइए ना इनका, लाइक अभी उनका मेंसेस तो चला गया होगा. हाँ जी मैम, पीरियड्स तो बंद हो चुके हैं. और इनके ये पेन्स रहती है मैम, ये काफी कब से है ये प्रॉब्लम, कब से आपको ये? 14 साल से, 2014 से.
2014 से ये इनको प्रॉब्लम है, इनको रिब केज में पेन रहती है और ये स्टिफनिंग ऑफ मतलब जो स्किन है वो एकदम हार्ड एंड टाइट थोड़ी सी स्किन हो रही है, जिसपे काफी मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके बावजूद भी वो हार्डनेस काफी है उसकी स्किन की और उस वजह से इनको पेन भी रहती है। ये यहाँ रिब्स पेन सिर्फ रिब्स में रहती है इनको, मतलब रात को कई बार जागते हैं, कफ भी रहता है। अच्छा, और खांसी वगैरह की भी शिकायत है कुछ इनको? ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, कम है। अच्छा, और मैम थोड़ा लाइक हार्मोन का प्रोफाइल वगैरह किया आपने? मैम अभी वो हार्मोन प्रोफाइल कुछ नहीं करवाया, मीनोपॉज हो रखा है। 2014 में इनको स्टीरोडर्मा जब डायग्नोज हुआ था उसके बाद से इनकी अपनी सारी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं। तो आज आए थे तो मैंने कहा दीदी एक बार हम लोग आयुर्वेद के ऊपर चलते हैं, और ये लोग पतंजलि में भी दिखा के आए हैं आज ना, तो यहाँ पे पतंजलि योगपीठ है। तो मैंने कहा मैं चाहूंगी कि आपके केस को हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें और उसके बाद आपका पूरा हम बनाएं कि कैसे कैसे हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसमें कुछ रिपोर्ट्स है कि आपके पास की जैसे लिम्फ नोड एनलार्जमेंट वगैरह है क्या इसमें? लाइक सार्कोइडोसिस में तो थोड़ा सा लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट होना होता है, तो कुछ है क्या इसे? मैम ANA रेज्ड है इनका और HCl70। अच्छा, ये दो मार्कर्स जो है वो रेज्ड है इनके। अच्छा ठीक है, और थायराइड वगैरह सब नॉर्मल है, बाकी सब रूटीन में। अभी आपने इनका एग्जामिन किया है क्या एक्सिलरी रीजन पे वगैरह कभी? एक दो बार किया है आपको? मैं मैंने नहीं किया है कोई भी एग्जाम, किसी ने भी? हाँ, मैंने नहीं किया है, मतलब बाहरी कहीं किसी ने आपका कभी पूरा एग्जामिन किया कि कहीं पे कोई लिम्फ नोड एक्सरे वगैरह में सब कुछ? तभी आपको लगता है कुछ गांठ वगैरह है कहीं पर? नहीं। ओके ठीक है, तो इनका स्किन से रिलेटेड है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सार्कोइडोसिस में कई बार ना लंग की इन्वॉल्वमेंट होती है में, कुछ इसमें स्किन का है, कुछ ऐसे अलग अलग टाइप का उसमें रहता है ना। ठीक है मैम, इनको ना सार्कोइडोसिस नहीं, मैं गलती लगी, स्टीरोडर्मा है। हाँ वही बोल रही हूँ मैं, मतलब आप ऐसे बोल तो रही है ये तो। अच्छा, स्टीरोडर्मा। हाँ जी मैम। ये एलोपैथी का डायग्नोसिस है? हाँ जी मैम। और मैम इसका कुछ इम्यूनिटी का वगैरह भी आपने किया है? इम्यूनिटी का कोई टेस्ट हुआ है? कुछ IgG IgM वगैरह, इन्हें हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री? जो ANA तो मैम उसी के लिए ही है मेन जो इनका हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गई। ठीक है ठीक है मैम, और कुछ खास बताने जैसे बताइए थोड़ा, कुछ है तो आपको और पूछिए मैम। इसमें ना के नीचे भी ब्लैक हो रहा है, बाकी कहाँ पे ब्लैक हो रहा है? कुछ हेतु मिले आपको? हेतु कुछ मिले आपको मैम? दही वगैरह ज्यादा तो नहीं खाते? नहीं। कुछ खान पान क्या, उनका लाइफस्टाइल कैसे रहा है वो बताइए? रूखा तो नहीं खाते? रूखा? नो। हाँ रूखा तो होगा ही, पेट साफ होता है कि ठीक से? हाँ ठीक से होता है, एकदम पक्का अच्छे से एक ही बार में झटके में होता है? कुछ आपको लगाना पड़ता है? नो ठीक है। बच्चे कितने हैं? दो बेटे हैं, मैरिड हैं। डिलीवरी थी? अच्छा, और आप अभी तक का मतलब आपका कैसे पैटर्न था, घर में ही रहती थी आप या वर्किंग थी, काम पे कुछ काम कर? टीचर थी। अच्छा, और आपका खाने का स्टाइल कैसा है, मतलब वेजिटेरियन? सिंपल स्टाइल है, वेजिटेरियन हूँ और कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर का ज्यादा खाते हैं या ऐसा कुछ नहीं है। और पीछे तो एक्सरसाइज भी करते थे लेकिन अब 2 months हो गए एक्सरसाइज नहीं हुई। और पहले कभी कुछ स्किन की प्रॉब्लम थी आपको कहीं, लाइक कुछ ऐसे? नहीं, पहले कभी नहीं। स्टार्ट हुआ है ये आपको जो स्किन की प्रॉब्लम है, कब से स्टार्ट हुआ है? 2014 में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, फिर एक डॉक्टर ने कहा कि ये सारे टेस्ट करवाओ, फिर मैंने सारे टेस्ट करवाए तो फिर ये डायग्नोज हुआ। ओके ओके, और किसी को कुछ पूछना है पूछिए। माधुरी जी, नीलम जी, विकास, पिंकी जी। मोशन कितनी बार जाती है? मैं थोड़ी देर के बाद ज्वाइन होती हूं, जरा दूर। मैं मोशन कितनी बार जाती हैं आप स्टूल्स? हेलो, मैं हां जी मैं 2 बार जाती हूं। हां तो पेट साफ नहीं होता है मैम, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है वात की वजह से? वात तो है ही, एक्चुअली वात दोष तो कारण है ही, बिल्कुल इसमें वो तो है ही। नीलम जी पूछिए कुछ, और कुछ आपको लाइक हम लोग हेतु निकालेंगे पहले,
घी कितना खाती हैं आप? घी, घी जनरली खाने में कितना होता है यूज आपका डेली में? 1 स्पून होगा, इससे ज्यादा नहीं। एक्चुअली मेरे वो क्या गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ हुआ है। मैम जरा फिर से सिम्टम्स बताइए आपके। सिम्टम्स में मेरे फिंगर, ये जो है यहाँ हार्डनेस है इन इस पोर्शन पर फिंगर के। ओके यहाँ हार्डनेस रक्त जैसे ही है क्या? वातरक्त जैसे ही है क्या? मुझे लग रहा है ना, वो दिखाइए मैम एक बार फिर से। और ये कितने महीने से हो रहा है? हाउ मेनी मंथ्स? ये मुझे फोर इयर्स हो गए, 4-5 इयर्स हो गए। 4 इयर्स हो गए आपको? 4 इयर्स से ज्यादा ही हो गए। 4 इयर्स से ज्यादा? उससे पहले आप सब नॉर्मल था? नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। अच्छा, कभी फीवर वगैरह बुखार आया था? फीवर कभी नहीं आता मुझे, नहीं आया था। और मेरा टेम्परेचर भी लो रहता है, 97 होता है मेरा टेम्परेचर नॉर्मल। ओके, अभी सिर्फ स्किन टाइटनिंग हो रहा है, उधर इचिंग या कुछ ऐसा जलन या नहीं? जलन नहीं है, जलन नहीं। पेन है काम करते हुए? कुछ डिफिकल्टी हो रही है? नो, सिर्फ टाइटनिंग हो रहा है नकल्स के यहाँ ना। और डिस्कलरेशन है? हाइपर पिगमेंट? यस। अच्छा, और फेस कलरेशन है? फेस में भी हाँ, एक मिनट। ओके, और दूसरा चीज, आप खाने में क्या, आपका 4 साल मतलब पहले से रूटीन क्या है? सुबह से रात तक का नाश्ता कितने बजे? सुबह हम चपाती या परोठी लेते हैं। आफ्टरनून में एक वेजिटेबल और फुलके चपाती। ओके, पर सुबह जो चपाती रोटी लेते हो किसके साथ खाते? चाय के साथ? सुबह चाय नहीं होती, मोस्टली स्मूदी वगैरह बना लेते हैं सुबह। स्मूदी? वो स्मूदी किस चीज की रहती है, क्या रहता है उसमें? नट्स होते हैं मोस्टली। नट्स? पर किससे? दूध में मिला के या क्या होता है? नो, दूध में नहीं, नट्स का ही मिल्क बनता है। नट्स का ही मिल्क? आलमंड, काइंड ऑफ आलमंड मिल्क मैम। हाँ, आलमंड मिल्क। तो वो कितना, एक गिलास कितना कितना रहता है? एक गिलास लेते हैं। वो आलमंड का ही, सिर्फ आलमंड का रहता है? नहीं, नो, आलमंड होते हैं और डेट्स होती हैं उसमें। हाँ, सनफ्लावर सीड्स और मैम ये चिया सीड्स वगैरह सब मिक्स करके लेते हैं मैम। हाँ, ये मतलब डिफरेंट ब्रेकफास्ट ट्रेंड डिफरेंट डेज में। कितने साल से ले रहे स्मूदी? ये तो हमें 6 मंथ्स ही हुए हैं इसको लेते हुए। 6 मंथ्स ले? अच्छा, और फिर रोटी खाते हैं किसके साथ खाते? वेजिटेबल्स या कोई दाल हो जाए। दोपहर का बता रहे ना ये? दोपहर का? हाँ जी, हाँ जी, सुबह का। सुबह परौठी, स्टफ्ड परौठी खाते हैं। स्टफ पराठे? ओके। और फिर शाम को कितने बजे फिर कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं आप? हम कई बार ब्रेड ले लेते हैं, कई बार चपाती बना लेते हैं। 5 बजे करीब कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। 5 बजे चाय लेते हैं। चाय? और फिर रात का कितने बजे का खाना? रात को 8:30 और 9 इसके बीच में लेते हैं। क्या खाते हैं उसमें? उसमें हम चपाती लेते हैं और कई बार ब्रेड लेते हैं। ब्रेड? ये हफ्ते में ब्रेड कितने बार होता है? ब्रेड कितनी बार खा लेते हैं हफ्ते में? ब्रेड हम 1 वीक में 3 डेज 2 डेज ऐसे ले लेते हैं। क्या है ब्रेड के साथ में? क्या होता है ब्रेड के साथ में? क्या ब्रेड में? नहीं, ब्रेड में हम वो या तो क्या पीनट बटर भी लगा लेते हैं। हाँ। और वो ककड़ी अनियन बीच में। अच्छा, सैंडविच ऐसे बना लेते हैं? सैंडविच टाइप में? यस मैम। हाँ, वो खा लेते हैं। ये मोस्टली रात को होता है खाना, है ना? मोस्टली रात को, अभी मतलब वीक में 3 डेज ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, स्प्राउट्स खाते हैं क्या? हेलो हेलो। हाँ, स्प्राउट्स खाते हैं क्या? स्प्राउट्स? नो। दही खाना है? दही लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कभी ले लिया
वन वीक में थ्री डेज टू डेज ऐसे ले लेते हैं मैम। एक्चुअली ना इसमें एक देखिए वात दोष भी है और रक्त दुष्टि भी है, तो हमें वात के ऊपर भी काम करना होगा, रक्त दुष्टि के ऊपर भी काम करना होगा, तो इसमें पूरा ही प्लान करना पड़ेगा, विरेचन शोधन। एक मिनट मैम, स्ट्रेस का फैक्टर कितना है? 4 साल हो गए तो आपको स्ट्रेस था किस चीज का? तो हेतु इम्पोर्टेंट है मैम। यस मैम। हाँ क्या स्ट्रेस है मैम? क्योंकि ये स्ट्रेस से होता है स्क्लेरोडर्मा का फैक्टर, होता है स्ट्रेस ही कारण है सभी प्रकार के स्किन डिजीज में। एक्चुअली ज्यादा बड़ा हेतु तो स्किन चिंता ही है ना। बिल्कुल। और खाने का भी मैम, फर्मेंटेड इडली डोसा अगर खाने का है प्रोडक्ट? नो। और चाइनीज वगैरह होता है कुछ? चाय टू टाइम्स चाइनीज नो। कॉन्स्टिपेशन है मैम? नो। साफ होता है? दिन में कितने बार जाते हैं आप? मैं 2 बार जाती हूँ। नहीं वो तो ठीक होता है ना, एक दो बार बोले हूँ, 2 बार। अच्छा अच्छा हार्ट स्टूल नहीं ना, नॉर्मल स्टूल है ना? नॉर्मल। और यूरिन वगैरह ठीक है? यूरिन में कभी प्रॉब्लम आ जाती है मुझे। और भूख अच्छा, कैसी लगती है मैम? भूख ठीक है, भूख ठीक है। नींद कैसी रहती है? डायबिटिक हूँ मैं और नींद की प्रॉब्लम भी है मुझे। हाँ वो स्ट्रेस की वजह से होगा क्या? नींद की प्रॉब्लम कितने साल से है वो? वो 1 ईयर हो गया। कभी कभी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कभी ठीक भी हो जाती है प्रॉब्लम। अच्छा कितने बजे सोते हैं आप और कितने बजे उठते हैं? 11:30 सोते हैं। हाँ। और मॉर्निंग में कई बार अर्ली उठ के प्राणायाम किया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कभी कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 8:30 पर 8 o'clock उठते हैं। हाँ ये गलत है, एक बार उठ गए ना तो फिर नहीं सोना है। दोपहर को सोते हो खाना खाने के बाद? नहीं बिल्कुल नहीं लेटती हूँ, सारा दिन नहीं लेटती हूँ फिर। ओके। कभी कोई बुखार हुआ था? डेंगू मलेरिया करोना वगैरह होके गया है आपको कुछ? करोना हुआ था मुझे। करोना हुआ था कितने टाइम पहले? अभी 2 साल? ये मुझे 2020 में, मार्च 2020 में हुआ था। अच्छा अच्छा ये बाकी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है कभी आपका? कोई गाल ब्लैडर का हुआ है और हाँ? अभी मैंने वो करवाया मलाइकल हर्निया की सर्जरी हुई है। अच्छा 1 ईयर हो गया उसको। मैम इनका मेनोपॉज हुआ है कि नहीं हुआ है क्या? हाँ जी मेनोपॉज हो चुका है मैम। और उस वक्त मेनोपॉज के पहले आपकी पीरियड्स की हिस्ट्री बराबर? पीरियड्स पहले बिल्कुल ठीक थे। हाँ बिल्कुल नॉर्मल थे मैम। और इनका डिलीवरी वगैरह बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, नॉर्मल डिलीवर्ड हैं दोनों। और उनकी सुती का परिचर्या हुई थी क्या? पूछा तब जब आपकी डिलीवरी हुई थी उसके बाद 40 डेज का जो वो रहता है प्रिकॉशंस और सारे वो सब? हाँ जी हुए थे मैम। और दूसरा आप कभी है ना काम में मतलब जॉब करते थे कि क्या है? हाउसवाइफ? हाँ जॉब करती थी मैं, टीचर। जॉब पे कभी आपने कुछ वेग धारण किया है मतलब आपको मोशन पेशाब का या थोड़ा होता होगा ना उस जमाने में जैसे आपने रोक लिया, आपने रोक के रखा होगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कभी, मतलब बस में है तो फिर तो प्रॉब्लम होती है, कभी घर में काम नहीं मैम वेग धारण कह रहे नहीं किया। मुझे यूरिन की प्रॉब्लम होती है, कम आना शुरू हो जाता है। खाने में घी यूरिया शुरू हो जाता है? यूरिन में क्या होता है प्रॉब्लम आपको? जलन कम होना लग जाता है। अच्छा अच्छा। और खाने में घी है क्या? खाने में 1 स्पून कभी परेशानी। मैम आप एक मिनट पूछिए, मम्मी अंदर परेशान हो रही है, मैं 1 सेकंड आती हूँ, मैम से पूछिए। घी है क्या खाने में? खाते हो क्या ज्यादा घी? खाने में घी नहीं है। वेजिटेबल जो सब्जी बनाते हैं वो घी में बनाते हैं, लेकिन मैं आगे खाती थी, अब नहीं खा रही हूँ मैं घी, बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। अच्छा। और स्वभाव कैसे आपका? बहुत गुस्सेला है, चिड़चिड़ है कि शांत है, या कुछ गुस्सा आया तो दबा के रख? कभी मैं ठीक हूँ रहती हूँ, मतलब बिल्कुल सही होती हूँ, कभी फिर जब कोई डिप्रेशन होता है तो फिर बहुत ज्यादा वो। अब गुस्सा तो नहीं आता मुझे, पहले आता था, अब नहीं आता। पहले मुझे ये बोले बीमारी के होने के पहले आता था क्या गुस्सा?
हाँ तो वो कभी दबा के रखता है क्या, ऐसे दबा दबा के कि निकाला ही नहीं चुपचाप? नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैंने वो कैंप वगैरह भी अटेंड किए हैं, मेडिटेशन करती रही हूँ, एक्सरसाइज बड़ी अच्छे ढंग से करती हूँ, अभी भी 59 ईयर की होके भी एक्सरसाइज करती हूँ तो। लेकिन अब 2 मंथ से नहीं हुई मेरे से एक्सरसाइज नहीं हुई, वो अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मुझे लगता है फिजिक और भी ज्यादा शुरू हो जाती है। नहीं, नहीं वो तो जरूरी है। और किसी को कुछ पूछना है? किसको आपने पे बात कर, आपने कभी ऐसा किया है कभी खाना भूख लगती है कभी नहीं? भूख लगने के पर ही खाती हो ना आप कि टाइम हुआ इसलिए खाते, टाइम हुआ है इसलिए खाते ऐसे खाना है? नहीं भूख लगी होती है मुझे। अच्छा पानी दिन सुबह उठते पानी पीते हो? नो नो नहीं। अच्छा रात को पीती रहती हूँ बार बार उठ उठ के। क्यों रात को क्यों पीते इतने बार? पता नहीं मेरा गला सूख रहा होता है, मैं पानी पीती हूँ रात को। आप डायबिटीज कंट्रोल में है क्या आपका? यस। कितने साल से डायबिटीज है? 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स और ये भी चालू हुआ है 4 इयर्स से ना? ये इसको तो 6 इयर्स हो गए जब डायग्नोज हुई मेरी प्रॉब्लम। ओके तो फिर अभी क्या मेडिसिन चालू है? मॉडर्न का चालू है एलोपैथी का? मेडिसिन जो है वो तो सप्लीमेंट ही ले रही हूँ, मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, स्टीरॉयड ही कह रहे थे फिर उससे मेरी स्टीरॉयड चालू है क्या? नो नहीं स्टीरॉयड नहीं लिए मैंने, मैं सप्लीमेंट ही लेकर अपना टाइम पास कर रही हूँ जैसे भी है। तो 6 साल में स्टीरॉयड नहीं लिया है? नहीं स्टार्टिंग में दिए थे उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तक लिए होंगे मैंने, पहले तो ज्यादा था फिर धीरे धीरे कम कर दिया, पहले वेट के हिसाब 32 mg से स्टार्ट किया था उन्होंने स्टीरॉयड, तो फिर 15 डेज के बाद फिर हमने धीरे धीरे उसको बंद ही कर दिया स्टीरॉयड। और शुगर शुगर बहुत बढ़ गई थी फिर ये 2014 की बात है। अच्छा उसके बाद बिल्कुल स्टीरॉयड नहीं किया? नो नो। अच्छा फिर अभी कुछ क्रीम ऑइंटमेंट दिया है क्या कुछ ऐसा उन्होंने? नहीं मॉइस्चर वगैरह ही लगाती हूँ मैं यहाँ। ओके मैम इसमें वही माधुरी बोली है, नीलम मैम आप भी बोली है इसमें ना, मुझे सब मतलब हेतु तो आपने अच्छे से निकाल लिया मैम अच्छे से, तो इसमें वात रक्त रस दुष्टि है तो अभी प्लान बताइए इसमें ना कैसे प्लान करें, पूरा ही करना पड़ेगा अच्छे मुझे से। लगता है कि विरेचन देना पड़ेगा क्लासिकल? बिल्कुल विरेचन क्लासिकल देना पड़ेगा इसमें, पहले हम लोगों को उनका आभा गुगुल भी दे देते हैं इसमें ना, अच्छा काम करेगा आभा गुगुल, लाइक पेन वगैरह भी है ना उनको, और ये कुष्ठ का ही एक प्रकार है, कपाल कुष्ठ का प्रकार हम लोग इसको कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये वही टाइप का है, स्किन डिसीज का ही है ये सारा पैटर्न उनका पूरा, अच्छे से जो आप मतलब हिस्ट्री हमने अच्छे से निकाली है तो अभी प्लान करिएगा हम लोग इसमें कैसे कैसे दे, पहले तो अग्नि को बढ़ाते हैं और रस रक्त पाचक स्टार्ट कर देते, 15 दिन का रस रक्त पाचक देंगे हम इनको ना, क्योंकि पूरा मुझे लग रहा है ना जैसे हेतु ब्रेड वो सारा अभी आपको ना हम लोग सारा लिख कर देते हैं प्लान अच्छे से, रेखा जी को बताते हैं, खान पान के भी बदलाव करने होंगे आपका, ब्रेड बिल्कुल बंद करिए अभी, घर में ब्रेड लाइए मत, और लाए तो भी आप खाइए मत, और बिल्कुल ब्रेड या टोस्ट बिस्किट वो सारा भी बंद करिए, चाय कभी थोड़ा सा पी लिया तो ठीक है, भी आदत है आपको तो। ओके बाकी खान पान हम लोग बता देते हैं थोड़ा सब्जियां जो बोलते ना पड़वा करेला तेंगली भिंडी ये सब सब्जियां खाने के रोज हरे दिन। ओके और रात को सैलड बिले नहीं खाने का, वो ककड़ी गाजर रात को नहीं खाने का, बिल्कुल नहीं खाने, रात को केवल खिचड़ी हल्की खिचड़ी और लाइक चावल या गरम रोटी फलका ऐसे ही खाइए बिल्कुल, बाकी कुछ भी मत लीजिएगा। okay. ये जो सुबह जो ये स्मूदी वाला है मैम ये मल्टी सीड्स मैम ये भी ठीक नहीं होता मैम? हाँ नहीं होता है भाई, नहीं खाना है वो। ओके नहीं खाना जी मैम, सॉरी मैम मैं बीच में चली गई। नहीं ठीक है ठीक है। और ये पेन की भी खाना ये ना, इनको जो रिब केज में रात में पेन बहुत होती है उस वजह से भी इनकी नींद डिस्टर्ब होती है काफी ना, वो
मैम वो गाल ब्लेडर नहीं है ना मैम, उसकी वजह से एसिडिक पेन रहता है मैम ये पेशेंट्स को। मैम ये पेन पहले से था, मतलब गॉल ब्लेडर तो बाद में निकला है। मैम पहले गाल स्टोन रहा होगा ना मैम। ओके मैम, गॉल ब्लेडर रिमूव 10 ईयर्स बैक हुआ था और ये पेन 2 ईयर्स से है। और ये जो मैम जब अग्नि कम होती है, डाइजेशन पावर कम होती है, तो मैम उसके साथ ये इंक्रीज होता है मैम। ओके, उनका उनका लाइफस्टाइल जो है ना मैम, वो सारा पित्तवर्धक है मैम। ओके मैम, क्योंकि जो ये रॉ सीड्स जो ले रहे हैं, जैसे आलमंड मिल्क वगैरह जो बता रहे हैं मैम, दैट इंक्रीजेस द आपके जो पित्त जो है उसको बढ़ाता है मैम, वो पित्त और वात दोनों को बढ़ाता है मैम। और ये जो इनको रिब केज में पेन है मैम, ये सारा वातिक शूल है मैम। ओके बिल्कुल, वात भी है, रक्त की भी दृष्टि है। यस मैम, तो वो गाल स्टोन की गाल ब्लेडर रिमूव होने के बाद मैम ये प्रॉब्लम रहती है, जनरली पेशेंट कंप्लेन करते हैं मैम। ओके अभी तो ठीक है, हम लोग अभी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, है ना। बताइए क्या क्या कैसे देंगे। मुझे तो लगता है ना, हम लोग इसमें रस रक्त पाचक तुरंत स्टार्ट करते हैं, एक आभा गुगुल देते हैं, बिकॉज पेन के लिए भी होगा और अस्थि धातु के लिए ये काम अच्छा करेगा, आभा गुगुल अगर देते हैं तो। ओके जी, हाँ फिर वो दीजिएगा अभी उनको। एक और जैसे स्कीन का है तो इसमें एक तो महामंजिष्ट आदि या फिर गंधक रसायन, गंधक का बहुत अच्छा काम होगा इसमें। गंधक रसायन दीजिएगा, गंधक रसायन 2 BD, रस पाचक रस रक्त पाचक 1-1 1-1 गोली दीजिएगा। अभी नहीं देंगे महामंजिष्ठ आदि ना, हम लोग बाद में उनको ये कर देते, अभी तो ये ठीक रहेगा। गंधक रसायन दीजिएगा 1 BD, गंधक रसायन 1 TDS। Yes. इनकी स्टार्टिंग हम कैस्टर ऑयल से नहीं कर सकते मैम, 3-4 दिन कर सकते ना, देना है ना कैस्टर ऑयल, भाई एक बार थोड़ा दीपक पाचक करें ना, बहुत फायदा होगा। जो वातिक पेन है मैम वो सारा सबसाइड कर जाता है उससे। मैम कैस्टर ऑयल कितना देना है। मैम मैं तो जनरली 3-4 tablespoons देती हूँ मैम रात को पेशेंट को ना, जनरली रात को देने से पेशेंट सुबह एक बार फील करता है कि 2-3 मोशन होते हैं, बट गेट्स रिलीव्ड इन 2-3 days। मैम इसका अनुपान कुछ क्या रहेगा कैस्टर ऑयल का। मैम विद मिल्क दे देते हैं मैम, मैं तो विद मिल्क दे देती हूँ मैम, पेशेंट इजीली ले लेता है विद मिल्क। ठीक है, डायबिटीज भी है मैम, थोड़े से दूध में एरंड तेल दीजिए, उसमें शुंठी डाल दीजिए थोड़ा सा चम्मच। यस मैम ठीक है, यस मैम इट वर्क्स, ऐसे प्लेन मत दीजिए, चुटकी भर बहुत है मैम, 1/4 के इसमें डाल दो, थोड़ा सा कम उससे भी, 1/4 से कम। और दूसरा चीज, अगर रात को हुआ तो बहुत बार उठना पड़ेगा, मुझे लगता है अगर घर पे तो सुबह किया तो भी चलेगा, दिया तो रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है अगर ज्यादा ही। फर्स्ट ना थोड़े कम डोज में देखिए, 5 ml 10 ml देखिए, क्योंकि काम मृदु है कि क्रूर है ये पता नहीं है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा 5 ml से या 10 ml से स्टार्ट कीजिए, फिर अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे बढ़ा दीजिए ऐसे। पित्त के लिए भी कुछ दीजिएगा ना, पित्त शमन के लिए कुछ आंवला या आंवला का कुछ मुरब्बा ऐसे तो कुछ बताइए ना पित्त शमन के लिए। अमल की रसायन मैम, और इतना मेडिसिन ज्यादा हो जाएगी क्या, है ना माधुरी। हाँ थोड़ा मैम, लेटर आवी पत्ती का चूर्ण भी दे सकते हैं अगर पित्त, पर मैम को डायबिटीज है ना। नहीं नहीं मत, हाँ जी डायबिटीज है, डायबिटिक है मैम, हाँ मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिसिन हो गए तो मुझे लगता है अभी इतना स्टार्ट करते। नीलम जी अभी आपने बताया जैसे एरन टेल स्टार्ट करते, बट मैं ना इनमें सोच रही थी क्लासिकल विरेचन करें, स्नेहपान कराकर टिकट ग्रुप से, तो वो अच्छा शोधन होगा। मैम एक्चुअली मैं को लगा कि थोड़ा पेन अगर सबसाइड करता है तो पेशेंट गेट्स ट्रस्ट। यस यस, अभी के लिए तो ठीक है ना, पेशेंट को पेन है तो ठीक है ना। हाँ जी मैम, तो वो जो रिप पेन है मैम उसमें रिलीफ मिल जाता है, फिर पेशेंट मैम आप जैसे कहो वैसे ड्राइव कर लेता है। यस यस डेफिनेटली, यस बिल्कुल, इतना अभी इतना चला दीजिएगा रेखा जी। जी मैम, और फिर बाद में हम लोग फॉलो अप में रहिएगा अभी, और ये 10 दिन के बाद हम लोग स्नेहन स्टार्ट करते हैं, मतलब गुरुत्वपान स्टार्ट करते हैं। मैम ये जो एरंड तेल आपने दूध के साथ बताया है, तो इसमें जैसे शुंठी आपने एक चुटकी दूध में वो पहले उबाल लें, उसके बाद 3-4 चम्मच जो भी है 5 ml या 10 ml जैसे एरंडपूल देना है, एरंड तेल देना है इसके साथ, ये कितने दिन के लिए चलना चाहिए मैम, शुरुआत में से पेन सबसाइड के लिए हो जाएंगे।
फिर वहां पे फिर मसाज कुछ करना होगा, स्टीम लेनी होगी, वो मैं बता दूं। 5 दिन तो कंटिन्यू करिएगा, दे सकते हैं इसको, कुछ दिक्कत नहीं है क्योंकि, बट देखिए पेशेंट का कॉस्ट देखकर देना पड़ेगा इसको। जैसे उनको पहले दिन, जैसे अभी बताया ना माधुरी जी ने कि पहले दिन देखकर देखिएगा उनको कितने जुलाब होते हैं, उसके हिसाब से फिर प्लान करना पड़ेगा आगे का। Okay. मैम अभी ना इनको इनसे सबसे हो जाएगा, फ्लैचुलेंस भी बता रहे हैं कि रहता है बहुत ज्यादा ना पेट पेट में, तो वो तो कैसर ऑयल से हमारा वो हो जाएगा, उसको भी आराम आ जाएगा। हाँ, मैम शुंठी दूध में उबालनी है ना? नहीं उबालनी नहीं है, गरम दूध में डालनी है, गरम डालने का और वो तेल डालने का और मिक्स करके पीने का, और दूध इतना क्या ग्लास भर नहीं लेने का, सिर्फ उसको मिक्स करने के लिए उतना ही देना है और पीने का, मतलब एक कप, एक कप, हाफ कप, एक कप, हाफ कप, उससे भी कम या तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके ओके, इतना स्टार्ट करें फिर? जी मैम। और मैम आप गई नहीं करना? मैम कल एक्चुअली दीदी आ रहे थे इसलिए मैं आज नहीं पूछा, क्योंकि वो आपके मामी जी का भी वो देखना था ना, तो कल उनको लाइव लाइएगा, कल गए तो कल लाइव ले लाइएगा। हाँ जी, कल उनको मैं लाइव लेके आऊंगी फिर मैं 6 बजे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। सो आई होप कि ये केस हमारे लिए भी अच्छी मतलब एक सीखने के लिए भी मिलेगा हमें ना, एक है ना। बिल्कुल, और आप सोचिए मत ज्यादा, उनका नाम क्या है आपके? मैं ठीक हो जाऊं तो मीनाक्षी। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी जी, सोचिए मत ज्यादा, सोचना आपका ये मतलब तकलीफ बढ़ा देगा, तो बाकी सारा भी प्राणायाम और अनुलोम विलोम कीजिए और ओंकार 21 बार कीजिए, 21 बार शीतली करवाइए उनको ना, शीतली ओके, शीतली प्राणायाम। यस मैम। हाँ और खान पान का हम लोग डाल देते ग्रुप पर ना, उनको बहुत करेक्शन करना पड़ेगा, खान पान का गलत है उनका, ठीक। हल्का सिंपल घी खाने को लगाइए, बिल्कुल घी भरपूर खाए हो, गाय का घी जितना खा सकते खाए, दूध भी चलता है, दूध का भी कोई दिक्कत नहीं है, गर्म दूध पिए हो, जैसे अभी शुंठी वाला है तो कभी बदल बदल के कुछ मसाला डालकर उसमें, इलायची डालकर, कभी कुछ केसर डालकर, ऐसे करवा कर पिला, ये दूध का कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दूध तो ठीक है पोषण के लिए भी और अस्थि धातु के लिए हमारे भी अच्छा मिलता, हमारे हमारे वहां पंजाब में दूध नहीं अच्छा मिलता तो इधर आइए महाराष्ट्र में। मैम अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो फिर आखिरी में एरंड मूल एरंड तेल जो है वो कैसे दिया जाएगा, कैसे रॉयल, अगर दूध अवेलेबल किसी के पास नहीं है? पानी में भी तो दे सकते हो, पानी में गर्म पानी, गर्म पानी कर ले और उसमें दे दे। यस यस ओके। मैम मैंने ये सारे काम ऐसे किए, मतलब ऐसे ही पिया बिना। रेखा जी आप तो 20 दिन पहले तो एकदम ये हो रही थी, आज मुझे अच्छा लग रहा है, आप अच्छे अच्छे मतलब प्रैक्टिस का भी आपका सेटअप कर लिया आपने, 1 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट हुई आपने। लास्ट इसमें बोल रहे थे अभी मैम कुछ भी नहीं करना है, कुछ प्रैक्टिस अच्छा नहीं लग रहा है कर रहे थे, अभी तो एकदम अच्छा लग रहा है, अच्छा, वेरी नाइस, कीप इट अप। मैम ये सब आप सबकी ब्लेसिंग्स है और आपके मतलब मार्गदर्शन से चीजें कर रही हूँ आप सब। नहीं नहीं सच में ना, क्योंकि आपको याद होगा ना माधुरी उस दिन कैसे बोल रहे थे, ये नहीं मुझे कुछ भी नहीं, नहीं कर रही हूँ मैं हम लोग बोले क्यों नहीं कर रहे, आप चालू करना चाहिए। हाँ लेकिन कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको आता है सब कुछ ना, बस सब कुछ तो आता है, अच्छा लग रहा है, अच्छा और अच्छे केसेस भी है जो हैंडल कर सकते हैं। वेरी नाइस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर डायबिटीज का ख्याल रखते जाइएगा, ओके, उनका जो भी है। ओके सो इस प्रकार से मुझे लगता है आज जरा रुकते हैं जल्दी, मुझे जरा मंदिर जाना है ना, टाइम ही नहीं मिल रहा है। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके और सभी हमारे दर्शक, गीता जी आइए हमारे सेशन में, डॉक्टर कैलाश सर, सभी हमारे दर्शक को भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सभी के सहकार के कारण ही हम लोग अभी 1.5 साल करीब करीब होने को आया, हमारा ये संभाषण चल रहा है। ओके सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस यस, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके जी मैम, चलो।